Good morning. Today I am teaching you class 12th entrepreneurship. In this subject, I already told you in my previous video, chapter 3rd, and in chapter 3rd, I explained about the key words of the chapter 3rd. That were marketing strategy, product, trademark, price, trade channel, branding, trademark, promotion, sales promotion, negotiations, vendor management, business failure, advertising, above the line, below the line, and through the line. So all these points we will cover in this chapter. Now let's explain to you the textual question answer. Though in my previous video I already explained 4 NCERT based question and answer. Now today let me proceed by the next one, that is, what are the components to a successful sales strategy? तो कोई भी एक जो सेल स्ट्रैटेजी होती है सेल करने का किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी सर्विस को, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं? सो द कॉम्पोनेंट ऑफ सक्सेसफुल सेल स्ट्रैटेजी आर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव सेल स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स मार्केट नॉलेज. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले मार्केट नॉलेज हो. वी मस्ट अवेयरनेस ऑफ कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज. हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ है वो हमें पता हो. अवेयरनेस ऑफ करंट ट्रेंड्स एंड डिटेल बिजनेस एनालिसिस. और जो हमारे हमको अवेयर होना चाहिए कि पर्टिकुलर एरिया में क्या ट्रेंड चल रहा है. व्हाट द पीपल्स आर लुकिंग फॉरवर्ड अबाउट द गुड्स विच ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट एंड डिटेल बिजनेस एनालिसिस वी हैव टू बी डू. सो आफ्टर ऑल दीज 4-5 पॉइंट्स इट मस्ट बी क्लियर फॉर द एंटरप्रेन्योर so that he get the success. Okay, now define branding. अब हम branding की बात करते हैं. तो branding I already told you before that brand is one of the name which is very essential element for advertising any goods because it make a identity of any goods and service. So branding is a process, a tool, a strategy or orientation whereby a name, a design or a symbol. Okay, so we can say branding is one of the name, a identical sign or a symbol. Okay, so that our customer can easily identify our product is given to a product by the entrepreneur so as to differentiate his or her product from the rival product. So whatever the product is present in a market, if we show a name, we give name to our product, then customer easily recognize will. Now next, why is a logo important for a company? किसी भी कंपनी के लिए लोगो इंपॉर्टेंट क्यों है? सो लोगो इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी एज इट इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू एंटरप्रेन्योर्स ओन ब्रांड. सो लोगो इज ऑल्सो लाइक एज ब्रांड वर्क, इट एडवर्टाइज्ड अबाउट द प्रोडक्ट, इट मेक्स अ आइडेंटिटी एज कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. ठीक है, लोगो भी अपने आप में एक ब्रांड का ही रोल प्ले करता है जो कि एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन आपको देता है, आपके गुड्स को देता है. नाउ नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ टैग लाइन्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो टैग लाइन्स आर सिंपल बट पावरफुल मैसेज दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट एन एंटरप्रेन्योर्स गोल, मिशन, डिस्टिंक्ट क्वालिटीज एंड सो मच मोर. तो टैग लाइन अपने आप में एक सिंपल पावरफुल मैसेज होता है जिसकी हेल्प से एंटरप्रेन्योर अपने कम्युनिटी को, अपने जो भी सर्विस वो बना रहे हैं उसका क्या गोल है, व्हाट द मिशन एंड द डिस्टिंक्ट क्वालिटी एंड वट एवर दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट अबाउट द गुड्स टू द कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ टैग लाइन्स दे कैन ईजिली डू दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म packaging. So processor and material employed to contain, handle, protect or transport any commodity. किसी भी commodity को protectly ultimate consumer तक पहुँचाने के लिए हम
जो मटेरियल को बढ़िया तरीके से हैंडल करने के लिए उसको पैक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैकेजिंग. सो पैकेजिंग इज डन टू अट्रैक्ट अटेंशन, असिस्ट इन प्रमोशन, प्रोवाइड मैकेनिक आइडेंटिफिकेशन, ओके, और वी कैन से इट इज़ एसेंशियल और एडिशनल इंफॉर्मेशन वी कैन ऑल्सो बी गिव टू आवर कस्टमर थ्रू द पैकेजिंग, ओके. तो पैकेजिंग एक वन ऑफ द वेरी एसेंशियल एलिमेंट, सेम एज ब्रांडिंग एंड टैगलाइंस एंड लोगो. इट ऑल्सो एक्सप्रेस, इट ऑल्सो कम्युनिकेट अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ओके. इट मेक्स अ वेरी क्यूरिकल रोल टू रिप्रेजेंट अबाउट द गुड्स इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स. देन लेबलिंग. सो लेबलिंग, वॉट इज लेबलिंग? इट इज़ द डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट ऑन इट्स कंटेनर, पैकेजिंग और प्रोडक्ट इटसेल्फ. तो लेबलिंग भी इट जस्ट लाइक कम्युनिकेटिंग अबाउट द प्रोडक्ट और वट द प्रोडक्ट यू हैव, यू विल गेट इन द कंटेनर, दैट प्रोडक्ट इटसेल्फ टेल थ्रू द लेबलिंग, ओके. देन एडवर्टाइजिंग. सो एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. एडवर्टाइजिंग एक वे होता है थ्रू विच वी डिज़ाइन टू अट्रैक्ट अ पर्सुएड पोटेंशियल कस्टमर्स टू चूज द प्रोडक्ट और सर्विस ओवर दैट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव. तो एडवर्टीजमेंट भी एक वन ऑफ द वे जिसको हम एडवर्टाइज करने के लिए हम पे भी करते हैं ताकि हम अपना जो डिज़ाइन है, जो हमारा गुड्स है या कोई सर्विस है, उसको हम कम्युनिकेट करें, कस्टमर्स तक पहुँचाए, ठीक है. नाउ वॉट इज नेगोटेशंस? सो नेगोटेशन इज दिस पॉइंट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम योर बुक. ये आपकी बुक में से अभी इन दिस कोरोना पीरियड हैज़ टोटली एलिमिनेटेड. नाउ वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस नेगोटेशंस. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ CRM. ओके, सो CRM, द फुल फॉर्म ऑफ दिस एवरीवेशन इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो वी मस्ट बी मेक अ गुड रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर सो दैट इट बिकम ईजी फॉर अस, इट बिकम ईजी फॉर द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर टू सेल द गुड्स टू द कंज्यूमर. नाउ वेन डू वी कंक्लूड दैट अ बिजनेस हैज फेल्ड? सो वी कैन कंक्लूड दैट अ बिजनेस हैज फेल्ड वेन इट डज नॉट जनरेट एडुकेट कैश फ्लो टू मीट एक्सपेंसेस. हम अपने बिजनेस को फेल तब कह सकते हैं जब जितने अमाउंट में हमने पैसा लगाया है या जितने हमारे जो खर्चे हुए थे उस खर्चे के बेसिस अकॉर्डिंग हमें एडुकेट अमाउंट में इनफ्लो नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दैट इज द बिजनेस फेलियर. नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ATL. एज इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई एक्सप्लेन अबाउट दिस ATL. So ATL is above the line, refers to above the line which target mass audience and aim at establishing brand identity. जो हमारा एक above the line का means है कि जो हमारे particular commodity का जो price है उससे above price में अगर हम अपने commodity को बेचते हैं एक brand, एक identity के साथ, तब भी हमारा जो for the mass audience, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अपने आप में क्वालिटेटिव गुड्स है, एक ब्रांडेड गुड्स है, तो प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी वो मोरओवर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गुडविल इन अ मार्केट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर ब्रांड और द कॉमोडिटी. ओके, नाउ गिव द मीनिंग ऑफ BTL. सो BTL इज बिलो द लाइन, रिफर्स टू टारगेट आइडेंटिफाइड स्मॉल ग्रुप्स एंड एम्ड एट लीडिंग टू एन एक्चुअल सेल. So below the line means when we really want to raise our sale, though whatever the steps we have to be take, we will take, we are taking. So this is the steps by the manufacturer strokes. कि किसी भी तरह से वो अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो जो पर्टिकुलर फिक्स प्राइस है उस कॉमोडिटी का उससे कम प्राइस में वो दिया जा रहा है ताकि मोरओवर ग्रुप्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाए, स्मॉल ग्रुप्स को भी एक्चुअल सेल तक पहुंचाया जाए. ओके, देन थ्रो द लाइन रिफर्स टू एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी. ये एक तरीका है हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं इससे, विच इन्वॉल्व्स बोथ द अबव द लाइन द कम्युनिकेशन इन विच वन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग
pointing the target to the another from advertising, thereby crossing the line. So sometime when they need above the goods, they can sell, and if they need moreover sales, they have to be raised, then they adopt the below the line communication. Okay. Now, short answer type question. So this is question number one, that is, what are the roles for goal setting? Okay, this is the formal way. This is the task of the entrepreneur. Before starting the work, we must be set a goal. So here also, entrepreneur, before starting his work, he always setting a goal. So what are the role for the goal setting? First is, it the goal should be relevant, actionable, achievable, stretches. So as I explained these topics in my previous video also with the help of the NCERT book, now let me explain you again. So relevant means, to be relevant, a business goal has to be profitable in some fashion. Every business goal has to be measurable in rupee, must process a clear advantages to the specific business. Relevant means, वो अपने आप में जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी goods हम बनाते हैं, वो goods profitable हमें होना चाहिए. जो भी हम business के लिए goal बना रहे हैं, that should be, whatever the profit we will get, that should be measurable in rupee. Okay, so हम किसी भी काम को करने, अगर हम कोई काम करते हैं, उसका हमें advantages मिलना चाहिए. Then actionable, our goal should be actionable, सिर्फ सोचने से ही काम नहीं होता. Achievable stretches means, the purpose of a business goal is to move the business forward. Business को हमें आगे ले जाना है. If expectations are set too high, अगर हम अपने expectation बहुत ज़्यादा high कर लेंगे, we set up for failure and disappointment. तो हमें failures और disappointment भी face करनी पड़ सकती हैं. So the expectations are set to low. जो हमारी expectation है वो हमें ऐसी रखनी है, low रखनी है, then we won't get enough satisfaction or recognition from the accomplishment. ताकि अगर हम उन्हें lose भी कर दें, तो हमें कोई ज़्यादा